वक्री हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी मानता दिते जाण दे विरोध विच अमृतसर विखे हुई श्रोमणी कमेटी दी जनरल हाउस दी मीटिंग दा विरोधी धिर वल्लों बॉयकॉट कीता गया। विरोधी धिर दे 3 मैंबरां ने इस नूं बादल परिवार दे इशारे उत्ते सद्दी मीटिंग करार दिता। इस संबंधी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच विरोधी धिर दे नेता अते अंतरिम कमेटी मैंबर भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा, जसवंत सिंह पडैन मैंबर हलका दाखा सिद्धवां पेट अते सरबंस सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके गलबात करते हुए भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा ने कहा कि जिहड़ा बादल परिवार हरियाणा के सिखां नूं श्रोमणी कमेटी तो दूर करन दा दोषी है उसनों बादल परिवार के इशारे ते अज हुई जनरल हाउस की मीटिंग दे विच सिर्फ एक ड्रामे के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसे करके श्रोमणी कमेटी विच बादल विरोधी धिरां दे मैंबरां ने सांझे रूप विच फैसला लिता है कि मीटिंग विच शमूलियत नहीं की। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहला आलमवीर विच श्रोमणी कमेटी मैंबरां नूं बुला के अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने हरियाणा कमेटी दे मुद्दे ते जनरल हाउस विच बोली ते पढ़ी जाण वाली स्क्रिप्ट तैयार करके दित्ती सी। उन्होंने कहा कि जनरल हाउस की मीटिंग भी बिल्कुल उसी तरह है जिवें श्रोमणी कमेटी के प्रधान की चोण वेले बादल लिफाफे राहीं श्रोमणी कमेटी मैंबरां नूं हुक्म दिंदे हन। दस दे नाल इस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर सरदार जसवंत सिंह पड़ैन, सरदार सरबंस सिंह माणकी, इस वक्त जिहड़ी असी खालसा जी तुहाडे नाल पूरे देश विदेश दे विच बैठिआं नाल गल सांझी करन लगे हां, उह इह आ कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस बुलाया गया, पर उस जनरल हाउस दे विच असी जिन्ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर पंथक हितां दी जोर शोर नाल गल करन वाले हां, चाहे हरियाणे तक बैठे हाँ, सारिया ने यह फैसला किया कि असी इस मीटिंग इस अजलास दे विच शामिल नहीं होवांगे। उहदा इको कारण है कि अज दा जिहड़ा इस मीटिंग दा एजेंडा है एक सियासी एजेंडा, सियासी तौर पर फेल हो चुके व्यक्ति नूं उभारन दा एजेंडा जां एक दल नूं उभारन दा एजेंडा, क्योंकि जे इह श्रोमणी कमेटी दा एजेंडा हुंदा तां इह उत्थे विचारिया जाणा चाहीदा सी, क्योंकि पिछले दिन असी देखिया कि गुरद्वारा आलमगीर साहब मंजी साहब उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां नूं बुला के एक जिहड़ा तोता पाठ है वह पढ़ा दिता गया कि अज तुसी उत्थे की मता पास करना है, की सुनेहा देना है, की कहना है। और दूसरे पासे जिस तरह दी खबरां सुन रहे हैं कि उधर चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा सियासी पार्टी के आगू जिहड़े वह इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि जदों गल गुरमत दी जां धर्म दी गल करनी होवे और फिर उहदे विच जे इहो जे सियासी एजेंडे जिहड़े लागू होणगे तां असीं इही बेहतर समझिया क्योंकि असीं किसी सियासी पार्टी दे एजेंडे दे विच शामिल नहीं होना। तो दूसरा देखो हरियाणा कमेटी जिहड़ी वक्ख हुई है वह कोई अजकल दी डिमांड नहीं सी, तकरीबन 2000 साल तो यह गल उठदी आ, 22 साल हो गए। यह ठीक है कि दायरा चाहे व्यक्ति का घटे चाहे संस्था का घटे उहदे विच कमजोरी आउंदी आ, श्रोमणी कमेटी का दायरा घटिया, सानू इस गल का बतौर मैंबर दुख भी आ, पर ये कुछ कारण भी होंगे, ये कुछ जिम्मेवारी भी तय होगी। अज लोड़ विचारन दी है कि इहदा जिम्मेवार कौन आ, ये हरियाणे के सिखां दे विच जे ये बेचैनी पाएगी उहदे की कारण रहे, जदों तुसीं उत्थे कोई धार्मिक लीडर नहीं पैदा होण दिता, जदों तुसीं उत्थे कोई सियासी लीडर नहीं पैदा होण दिता, सिर्फ अपनी एक चुटाला परिवार के नाल जिहड़ी है यारी नूं पगाउण वास्ते उत्थे सिखां दा जिहड़ा मुल जिहड़ा अकाली दल इत्थों बंड जिहड़ा वटदा रहा, तो उहदा आ नतीजा जिहड़ा असी देख रहे हां, तो उह सिखां दे विच इक बेचैनी पाएगी, तो उहनां दी इह डिमांड उठी। उस तो भी जे असी अगे जाइए तो जिस तरह अज जनरल हाउस हो रहा, साडा इह पुछणा श्रोमणी कमेटी नूं, जिन्ने भी श्रोमणी कमेटी के प्रधान पहला रह चुके ने, जिन्ना भी प्रबंध रह चुके, इन्ने सालों के भी तुसीं हरियाणे के सिखां नूं बुला के इत्थे जनरल अजलास क्यों नहीं किया, उहनां दीआं मुश्किलां क्यों नहीं पुछियां कि तुहाडी मुश्किल की आ, उन्होंने क्यों नहीं दस्या कि साडे जे ये कमेटी बनती है ये नुकसान आ। सो इसलिए ना पैरवाई जदों कोर्ट केस सी उदों हुई, तो हुण देखो किड्डी हासोहीणी गल आ, तो यह कहा जा रहा जी कि असी श्रोमणी जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने मानते नहीं, पर दूजे पासे असी सुप्रीम कोर्ट के विच ही जिहड़ी पटीशन जिहड़ी आ दाखिल करनी है। सो इस करके कोई एजेंडा जिहड़ा वो सीधा ना होण करके और इहदे विच जिहड़ा सियासी बू जिहड़ी आ रही है, तो असी सारिआं ने एक मत हो के फैसला किया कि इहदे विच असी जिहड़ा शामिल जिहड़ा नहीं होणगे।